हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एक्सेस की है। तो एक्सेस में अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल बनाना तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक्सेस को ओपन कीजिए और यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाइए। जैसे ही जाएंगे तो यहां नए वाले डेटाबेस का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं। यहां पर आ जाते हैं और यहां से व्यू पे जाके आप टेबल बना लेते हैं और जो भी रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट कराने हो, फील्ड नेम देने हो, वो दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर जाते हैं तो आपको ये दिखता है टेबल वन। अब टेबल वन का भी नाम आप चेंज कर सकते हैं और यहां से ओके करके और फिर यहां पर अपना डेटा डिसाइड कर सकते हैं। फील्ड नेम में फील्ड नेम और डेटा टाइप में डेटा टाइप देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टास्क ऐसा दिया गया है कि ये काम जो है एसक्यूएल व्यू में करना है। ठीक है, अब एसक्यूएल व्यू में कैसे जाएंगे? एसक्यूएल व्यू में जाने के लिए यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के और फिर आपको यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाना है। और जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो यहां पर एसक्यूएल व्यू नजर आएगा आपको, तो बस क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहां पर आपको कोडिंग करनी होगी। तो कोडिंग कैसे होगा? तो कोडिंग बिल्कुल वही है, यहां पे क्रिएट कमांड चलाएंगे। तो ये लिखा क्रिएट, ठीक है, और क्या बनाना है? तो टेबल बनाना है। तो ये टेबल लिखा और टेबल लिखने के बाद आपको क्या करना है? टेबल का नाम देना है। जैसे मान लीजिए मैंने टेबल का नाम दिया स्कूल, तो ये दे दिया स्कूल नाम से टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने दिया है स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, और क्या करना है? जैसे ही ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहां पर अब पहले फील्ड का नाम देना है। जैसे मान लीजिए पहले फील्ड का नाम क्या हो सकता है? यहां पर जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं रजिस्ट्रेशन आईडी, तो ये लिख दिया रजिस्ट्रेशन और अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये आपको एसक्यूएल में भी काफी हेल्प करेगा। और ये जो है रजिस्ट्रेशन आईडी, इसे मैं वेरकैर रख रहा हूं। वेरकैर एक डेटा टाइप का नाम है और यहां पर साइज कर देता हूं 15 और यहां पर जो है कॉमा दे देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं नॉट नल, नॉट नल, यानी खाली नहीं छोड़ सकते, प्राइमरी की। ठीक है, एक तो हमने ये भी दे दिया कंडीशन कि इसको खाली नहीं छोड़ सकते और दूसरी कंडीशन ये भी दे दिया कि यह प्राइमरी की है। ठीक है, यानी यूनिक वैल्यू ही कंटेन करेगा ये। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो अब देखेंगे यहां पर ये दो फील्ड आ गए हैं। अब यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट किस तरह का डेटा टाइप है? तो यहां पर हम इस बार टेक्स्ट मेंशन करते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट भी एक डेटा टाइप होता है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब अगली जो फील्ड आएगी वो आएगी हमारी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का डिटेल डालेंगे और इसमें मार्क्स की बात करेंगे। तो यहां पे कंप्यूटर रखा। अब कंप्यूटर का डेटा टाइप हमेशा इंट ही रहेगा, तो इंट रख देते हैं। फिर इंग्लिश कर देते हैं, तो यहां पे देखिए इंग्लिश का भी डेटा टाइप, भाई इंग्लिश में नंबर मिलेंगे तो यहां पे डेटा टाइप तो इंट ही रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि टेक्स्ट रख देंगे या वेरकैर रखेंगे, तब तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। फिर यहां पे मैथ्स कर देते हैं, तो मैथ्स का भी डेटा टाइप इंट ही रहेगा। अब इसको बंद करेंगे, इतना ही रखते हैं और यहां से टर्मिनेट कर सकते हैं। चाहे तो आप आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इतना फिलहाल हम करते हैं और यहां से टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये चीज आपको दिखाई पड़ रही होगी। अब यहां से रन पे खाली आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं तो आपकी टेबल बन जाती है और आप देखेंगे कि यहां पर जो है कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई दे रही है। तो ये भी एक तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप यहां पर डायरेक्टली डेटा एंटर कर सकते हैं या जैसे आप MySQL में या SQL सर्वर में यूज करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, यानी कमांड चला करके भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं RR01 और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया राम और यहाँ पे कंप्यूटर में आउट ऑफ 156 मार्क्स मिले, यहाँ पे 88 इंग्लिश में और मैथ्स में 66 कर दिया हमने। अब फिर आते हैं तो डबल आर और फिर 002 करते हैं और फिर यहाँ पे श्याम करते हैं, तो यहाँ पे दो नाम हो गया। अब यहाँ पर जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पे हमें रिपीट करने होंगे, मतलब लिखने होंगे, तो ये लिख दिया हमने। अब और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आप ये काम जो है क्वेरी के थ्रू करना चाहते हो तो क्वेरी के थ्रू कैसे करेंगे? तो क्वेरी के थ्रू करने के लिए पहले तो इस क्वेरी को सेव करना होगा हमें, तो यहाँ पे टेबल क्यू के नाम से सेव करूंगा टेबल क्वेरी। इस क्वेरी से टेबल बनी है हमारी, तो इसको पहले क्लोज करते हैं और इस टेबल को भी कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो यहां से क्लोज कर दिया। अब यहां पर क्वेरी बनाएंगे, तो कैसे क्वेरी बनाएंगे? तो यहां क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और एसक्यूएल क्वेरी पे चले चलेंगे। अब यहां पे सेलेक्ट लिखेंगे और सेलेक्ट लिख करके अगर आप पूरे टेबल को देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं तो यहाँ पे एस्ट्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है? हमें इंसर्ट करना है डेटा, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू चलाएंगे और किस में इंसर्ट करना है? तो हमारे टेबल का नाम है स्कूल,
इसी के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो यहां पे स्कूल दे दिया हमने और यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्कूल दे करके ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और सारे फील्ड्स के नाम आपको डालने हैं। इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पे देख सकते हैं ये क्या-क्या दिया गया है, वो सारी चीजें आपको एक-एक करके लिखनी है। तो पहला है रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसे दिया गया वैसे लिख लीजिए। तो यहां पर ब्रैकेट को ओपन करके यहां पे कर दीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और देखने वाली है कि रजिस्ट्रेशन आईडी हमने लिखा कैसे है, तो अंडरस्कोर लगा के लिखा है, तो आपको भी अंडरस्कोर लगा के ही लिखना होगा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी कर दिया और रजिस्ट्रेशन आईडी करके कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो ये कर दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, अब फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कंप्यूटर था पहला सब्जेक्ट तो ये कंप्यूटर कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या था, तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा यहां पे देख सकते हैं इंग्लिश है और तीसरा मैथ्स है, तो तीन ही सब्जेक्ट हमने लिए, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, तो ये इंग्लिश और कॉमा देके फिर मैथ्स MATHS यही दिया था, ठीक है। यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहां से एंटर करना है आपको, अब यहां पर क्या करना है, यहां पे आपको वैल्यूज डालने होंगे, तो ये वैल्यूज लिखा हमने। अब रजिस्ट्रेशन आईडी में रजिस्ट्रेशन आईडी जाएगा, तो ऑलरेडी हमने कुछ तो इंसर्ट ही करा लिया है, तो यहां पे RR004 करते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर अब देखिए ये चीज जो है ना, इसको आपको लिखना होगा डबल ट्रेड कॉमा में, क्यों क्यों डबल ट्रेड कॉमा, आप चाहे तो सिंगल ट्रेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डबल ट्रेड कॉमा में ही लिखिए, सिंगल ट्रेड कॉमा भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगा दिया, अब इसको सिंगल ट्रेड कॉमा में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों चीजें हैं, इसीलिए आपको सिंगल ट्रेड कॉमा या डबल ट्रेड कॉमा का तो यूज करना ही होगा, टेक्स्ट के साथ तो हमेशा करना है, ठीक है। अब यहां पर एक और नाम दे देता हूं गौरव, तो ये गौरव हो गया, देख सकते हैं ना, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद अब कंप्यूटर में मार्क्स डालने हैं, तो यहां देखिए मार्क्स डालते समय आपको सिंगल ट्रेड कॉमा या डबल ट्रेड कॉमा का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और ये आप बंद करिए, बंद करके यहां से टर्मिनेट कीजिए, और टर्मिनेट करके क्या करना है, इस टेबल को पहले तो क्लोज करना है जो टेबल ओपन है, और अब यहां से आपको क्वेरी डिजाइन पे जाके यहां से रन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ये कुछ बता रहा है मिस्टेक, तो एक बार चेक करते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी का स्पेलिंग हमने क्या लिखा है। तो यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन ए छूट गया, यहां पे देखिए यहां पे ए छूटा हुआ है, जिसके चलते ये ले नहीं रहा है, तो हम यहां से ए भर हटा देंगे, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब यहां से इसको चलाएंगे, तो इसको क्लोज करके तब इसको चलाएंगे, तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन करा देंगे। और कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, अपेंड का मतलब क्या होता है, आपने पाइथन में भी पढ़ा है, MySQL में पढ़ा है, तो अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट करना, तो इसमें एक रो इंसर्ट हो जाएगी और ओके करेंगे, और जब इसको देखेंगे ना तो यहां पर गौरव नाम भी इंसर्ट हो चुका है। तो ये वो तरीका है जिससे आप इंसर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।